आनंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। तो श्री श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोग रामानंद राय संवाद पे चर्चा कर रहे हैं और पिछले कुछ समय से हम लोग श्रीमन महाप्रभु धैर्य धारण करके जो रामानंद राय को देख के उनका मन तो हुआ उनको जाके आलिंगन करने को, पर श्री रामानंद राय जो हैं वो वहीं धैर्य धारण करके बैठे। और कितना आवश्यक है धैर्य हमारे जीवन में, इस पे हम लोगों ने विगत कुछ समय से चर्चा करी। पिछली बार भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि हम सबके लिए भक्ति में धैर्य कितना आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हुए रामानंद राय ने जब श्रीमन महाप्रभु को देखा तो कैसा उनका स्वरूप दिखा, कविराज गोस्वामी ने उसका वर्णन किया। सूर्य शत सम कांति अरुण वासन सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। श्रीमन महाप्रभु कैसे दिख रहे हैं, सूर्य शत सम कांति, सौ सौ सूर्य के समान मानो उनकी कांति उस समय उनको दिखी। और श्रीमन महाप्रभु जैसे पहले हम चर्चा कर चुके हैं घाट छाड़ी, वो घाट छोड़ के अलग से बैठे थे और बहुत सारे ऐसे संत महात्मा वहाँ गोदावरी नदी के घाट पर हैं, पर अपूर्व सौंदर्य श्रीमन महाप्रभु का देखकर चमत्कृत हुए श्री रामानंद राय जी। सूर्य शत सम कांति, हम एक सूर्य को ठीक से देख नहीं पाते और यहां पे बोल रहे हैं श्रीमन महाप्रभु की कांति कितनी थी, सौ सौ सूर्यों के समान है उनके भीतर से कांति निकल रही है। पर जब हम किशोरी जी के विषय में और श्रीमन महाप्रभु के विषय में ये सुनते हैं तो ये उपमा थोड़ी इम्प्रैक्टिकल लगती है कि ऐसे कैसे कि सौ सूर्य के समान कांति निकल रही है, अनइमेजिनेबल है। किसी व्यक्ति के अंदर से सौ सूर्य के समान ऐसे कांति निकल रही है, ऐसा लगता है अतिशोक्ति है, बोलने में ज़्यादा बोला जाता है। ऐसे इतनी कांति किसी के भीतर होगी तो देखेंगे कैसे, आंखें खराब हो जाएंगी। अगर हम सूर्य को इस डिस्टेंस से देखें तो आंख खराब हो जाएगी अगर ज़्यादा देर देख लें। और सौ सौ सूर्य की कांति लेके सामने व्यक्ति बैठा हुआ है और हम उसे कैसे देखेंगे। तो यही इस जगत के प्रकाश में और दिव्य प्रकाश में भेद है। जो दिव्य प्रकाश है वो सौ सूर्यों की कांति के समान होने पर भी आंखों को शीतलता देता है उनको देख के। दूसरा ये वाला आंखें शीतल हो जाती हैं श्रीमन महाप्रभु को देख के। और आगे जाके हम लोग देखेंगे कि कई कई जैसे प्रकाशानंद सरस्वती भी है, ऐसे कई कई लोगों को कई कई जीवों को श्रीमन महाप्रभु ने केवल अपने प्रकाश से ही भक्त बना दिया। और चाहे किसी भी अवतार में हो,
यही इनका सबसे बड़ा बल है। जैसे भीष्म पितामह बोले अर्जुन को कि अर्जुन ये युद्ध जो है वो तू केवल इसलिए जीत गया क्योंकि कृष्ण तेरे सारथी थे। वो देख के मुस्कुराते और जब वो मुस्कुराते तो हर व्यक्ति जो सामने खड़ा है वो अपनी विद्या भूल जाता। वो क्रोध से तो आता तेरे को मारने के लिए पर इनकी मुस्कुराहट देख के उसका क्रोध खत्म हो जाता और जो ही क्रोध खत्म होता तो तू उनको मार देता। तो ये कोई तेरा पराक्रम नहीं है, इस युद्ध में अगर तूने इतनी विजय हासिल कर ली, इतना यश हासिल कर लिया, ये तेरा पराक्रम नहीं है, ये तो इनकी हंसी का कमाल है। और बड़े बड़े जितने योद्धा हैं वो सब इनके आगे आके इसीलिए चित हो जाते हैं क्योंकि इनका सौंदर्य ऐसा है। जो वो मीरा जी के भाई थे, क्या नाम था उनका, जयमल जी, जयमल जी की कथा तो आप सब जानते हो। तो जयमल जी के यहां जब युद्ध कर दिया, आक्रमण कर दिया उनके प्रोविंस में, जयमल जी उस समय अपने श्री हरि की सेवा कर रहे थे और वो श्री हरि की सेवा छोड़ के जाते नहीं थे। डीटी वर्शिप का ये स्टैंडर्ड सेट किया है जयमल जी ने। वो बोलते थे चाहे कुछ भी हो जाए, जिस समय मैं सुबह सेवा कर रहा हूं उस समय कोई मुझे आके तंग नहीं करेगा, अगर किसी ने कुछ भी बोला तो मैं उसको मृत्यु दंड दे दूंगा। तो जयमल जी को आके कोई उस समय बताता कि भाई आपके यहां पे आके आक्रमण कर दिया है तो वो उसकी अपनी मृत्यु का कारण बन जाता उनको बताना, तो किसी ने नहीं बताया। उन्होंने जयमल जी की माता को बोला आप जाके बता दो, भाई ये सब नियम हमारे लिए आपके लिए तो नहीं होंगे, आप जाके बता दो। उन्होंने जयमल जी की माता ने कहा ठीक है, अगर मान लो राजदंड दे भी दिया जाए, मुझे मृत्यु भी दे दी जाए तो कम से कम ये राज्य तो बचेगा। तो उन्होंने जयमल जी को जाके बताया कि ऐसे ऐसे आक्रमण कर दिया। जयमल ने कहा माता आपने हमारे राज्य का नियम तोड़ा है, पर फिर भी मैं आपसे बाद में बात करूंगा, आप जाओ। और जयमल जी ने उस समय भी यही सोचा कि मैं यहां रह के अभी भी अपने श्री हरि की सेवा ही करूंगा, चाहे जो होगा वो देखा जाएगा। पर जब भगवान की सेवा कर रहे थे तो भगवान कैसे रहते, तो भगवान ने जयमल का स्वरूप लेके, कई लोगों को ऐसे लगा जयमल ही हैं पर थे तो श्री हरि, उन्होंने जयमल का घोड़ा लेके युद्ध के लिए निकल गए। जयमल अंदर ही हैं, वो सेवा कर रहे हैं। और जब वो युद्ध के लिए गए तो जिसने आक्रमण किया था उसके पास पहुंचे, सारा युद्ध खत्म हो गया, सबरों को मार दिया, सब खत्म हो गया। जब जयमल जी निकले वापस विग्रह की सेवा करके तो देखा कि भैया वहां तो विजय प्राप्त हो गई। अब जयमल जी कहते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कौन हुआ। वो वहां पे गए, जब युद्ध क्षेत्र में गए तो जो जयमल जी को वध करने के लिए आया था वो भी उनका कजन ही था एक, वो भी उनका कोई चचेरा भाई था जिसको भगवान ने जयमल का घोड़ा लेके मारने गए थे। अब जब वो उसके पास गए तो वो बुरे तरीके से जख्मी वहीं पे युद्ध भूमि में गिरा हुआ था। जयमल जी ने उसको उठाया, पूछा, उसने कहा भैया सारी बात बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारा वो कौन सा सैनिक था जो आया था मुझे मारने। अब जयमल जी ने सोचा कि कौन आया, बोले वो एक सैनिक आया केवल एक घोड़ा लेके और उसने मेरी सारी सेना को परास्त कर दिया और मेरा ये हालत कर दी, वो कौन सैनिक था। तो जयमल जी अपने मन में समझे कि ये तो ठाकुर जी आए, कौन गया, हमारे यहां से तो कोई गया नहीं और मैंने आज्ञा नहीं दी थी तो मेरे यहां से कोई जा सकता नहीं, तो कौन गया था। बोले तो श्री हरि गए होंगे। तो जयमल जी ने उसके चरण पकड़ लिए, बोले तूने क्या देखा उनमें। अब उसने क्यों चरण पकड़े, योद्धा बन के नहीं, एक भक्त की तरह कि वो मेरे हरि जिनको मैं देखने को तरसता हूं वो घोड़ा लेके साक्षात तेरे सामने आ गए, वो कैसे थे। अब जो वहां पे जख्मी पड़ा हुआ है वो बोल रहा भाई मैं भी तो उनसे लड़ने के लिए या उसके पराक्रम के लिए नहीं ढूंढ रहा, उनको देख के मैं ऐसा मुग्ध हो गया हूं कि मैं चाहता हूं एक बार वो दोबारा दिख जाए,
मेरे 100-100 प्राण जो है वो उन पे कुर्बान, एक बार दिख जाए वो योद्धा, इतना सुंदर मैंने कभी देखा ही नहीं। अब कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष के लिए तो नहीं बोलेगा कि भाई इतना सुंदर एक बार दिख जाए। और भीष्म पितामह भी बोलते अखंड ब्रह्मचारी हैं, लेकिन श्री हरि को देख के उनके सौंदर्य की ऐसी विवेचना करते हैं जैसे कोई स्त्री कर रही हो। और कई आचार्यों ने बोला भी कि ब्रह्मचारी कभी ऐसी स्तुति नहीं करते जैसी भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति करी है। आप क्या धूल दूसरित वो मुखार बिंद, आह आप पे धूल भी चढ़ती है तो कितनी सुंदर लगती है। और यही धूल दूसरित कृष्ण वृंदावन में भी दिखते हैं। जब गौआ चरा के आ रहे हैं तो गौआ चरा के जब कृष्ण आते हैं तो बोलते गौओं के खुर से जो धूल उड़ती है वो धूल सारी उनके मुख पे लग जाती है। और वृंदावन की धूल जो है वो सफेद रंग की धूल है जो गौ के खुर से उड़ती है। और कृष्ण काले तो बोले जब ऊपर चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो सफेद चंद्रमा काला हो जाता है और नीचे ये काला चंद्रमा सफेद हो जाता है। जब इन पे वो धूल चढ़ जाती है जो गौओं के खुर से उड़ी है, और वही धूल दूसरित कृष्ण जब ब्रज की ओर जा रहे हैं और गोपियां उनका दर्शन करती हैं तो कई कई गोपियों ने ऐसे भी बोला, बोला ऐसे लगता है मानो गौओं के बीच एक दो पैर में बछड़ा चल रहा है, क्योंकि सफेद रंग का हो गया है कृष्ण भी, काला कृष्ण भी सफेद हो गया। और उनकी सुंदरता बोलते वहां तो ग्रहण वाला चंद्र देखने में आनंद नहीं आता, पर ये वाला चंद्र जो है ये जब ग्रहण लगता है तो ये और सुंदर हो जाता है। ये गोरे कृष्ण के दर्शन केवल संध्या में ही होते हैं। ये गोरे कृष्ण है कैसे हुए, ये ब्रज की धूल से दूसरित। और जब यही कृष्ण माता यशोदा के पास जाते हैं तो इनके जो स्वेद बिंदु हैं जिसके कारण वो धूल इन पे चिपक गई है, वो माता बोलते अपने साड़ी का पल्लू लेके उनसे जब वो धूल उड़ाती है तो गोपियों के जितने रोम हैं वो पीपली बन के उस धूल को पकड़ने के लिए यशोदा माता के गृह में चली जाती है। एक एक गोपी का एक एक रोम पीपली बन के वो धूल लेने के लिए चला जाता है। और वो धूल पकड़ के जब वो लाते हैं तो बोलते उस पीपली में से जब वो धूल कमल में गिर जाती है तो उस कमल का रस पान करने के लिए भंवरा उसमें आ जाता है। वो भंवरा रात भर उसी का मकरंद लेता है जो वो धूल आई है। और सुबह जब गोपी आती है ऐसे फूलों का हार पहन के तो गोपियों के जो फूलों का हार है उनके पुष्पों में गोपियों के जो विरह के अश्रु बिंदु हैं वो उन पुष्पों पे गिरते हैं। और भंवरा देखता है कि मैं इस कमल में हूँ, इसमें वो मकरंद नहीं है, जो मकरंद गोपियों के गले में जो पुष्पमाला पहनी हुई है उनमें वो मकरंद है। वो मकरंद क्या है, वो उनके विरह के अश्रु हैं। वही भंवरा अब जिसके पैरों में वही धूल लगी है जो कृष्ण के चेहरे पे लगी थी, वो गोपियों के गले में पहनी हुई माला का मकरंद लेने के लिए जब जाता है तो उसके चरणों से वो धूल उनकी माला में लग जाती है। और जब गोपियां श्वास लेती है तो वो धूल उनके भीतर दब जाती है, तब उनके भीतर विरह उत्पन्न होता है। और उस विरह से उनके हृदय में कृष्ण मिलन की जो लालसा जगती है उसी लालसा से ये गोपी गीत और वेणु गीत का उदय होता है। कहां से धूल आ रही है, कहां कृष्ण की, कहां जा रही है। तो वो सुंदर कृष्ण जब गए जयमल की ओर से तो उनका जो दुश्मन भी है वो भी जयमल के आगे हाथ जोड़ रहा है कि भैया एक बार दर्शन और करा दे उसके। वो उनके हाथ जोड़ रहा है और जयमल बोलते उनके चरण पकड़ रहा है कि भाई तुझे दर्शन हो गए, मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए। ऐसी कौन सी सुकृति तेरे पास है कि भगवान ने आके तुझे दर्शन दे दिए पर मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए। और आके अपने विग्रह से लड़ाई कर रहे हैं कि वाह वो यहां आके मेरे पे युद्ध कर रहा है अनीति से,
और मैं आपकी सेवा में संलग्न हूं और दर्शन उसको पहले और मुझे बाद में। मुझे तो पता नहीं कब होंगे, आपने उनको दर्शन दे दिए। तो ये विरह जो है, ये भगवान जान के क्रीड़ा में अपने भक्तों के हृदय में उदय करते हैं। तो इसीलिए सुबलित प्रकांड देख कमल लोचन, ऐसा उनका स्वरूप देख के रामानंद राय चित हो गए। देखिया तहार मने हैला चमत्कार, अब उनके हृदय में वही चमत्कार हो रहा है, क्योंकि ये रामानंद राय ही विशाखा सखी हैं। इन्होंने कृष्ण के स्वरूप के दर्शन किए हैं और आज जब किशोरी समेत कृष्ण वहां बैठे हैं, तो इसीलिए मने हैल चमत्कार। विशाखा कृष्ण को देखे चमत्कार की बात नहीं है, विशाखा अपनी सखी किशोरी को देखे थोड़े चमत्कार की बात है, पर इतना चमत्कार किसी लिए, क्योंकि आज दोनों को देख रहे हैं एक स्वरूप में। रामानंद राय के प्रथम दर्शन है युगल स्वरूप के, एक ही देह में। ऐसे तो युगल दर्शन विशाखा ने किए हैं, पर एक देह के आज दर्शन दे रहे हैं। देखिया तहार मने हैल चमत्कार, असिया करिल दंडवत नमस्कार। तुरंत दंडवत किया और जो ही दंडवत किया, उठी प्रभु कहे, उठ कहे कृष्ण कृष्ण, तारे आलंगिते प्रभुर हृदय सतृष्णा। जैसे ही दंडवत किया, उठी प्रभु कहे, उठो उठो कहो कृष्ण कृष्ण। अरे अरे मुझे दंडवत मत करो, मैं कौन हूं, मैं तो साधारण सा एक व्यक्ति हूं, उठो उठो कृष्ण कृष्ण कहो। मानो बोल रहे हो, अरे कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए, राधा रानी को करना, अरे मुझे कहां कर रहे हो, उठो उठो कहो कृष्ण कृष्ण। तार अंगिते प्रभुर हृदय सतृष्ण, तृष्णा ये जीव की इस जगत में होती है, पर श्रीमन महाप्रभु के विषय में तृष्णा क्यों बोली, ये दिव्य तृष्णा है। हृदय प्रसन्नचित हो गया आज अपनी सखी विशाखा को देख के। दोनों तरफ आग बराबर की लगी है, वहां किशोरी जी भी प्रसन्नचित हैं आज उनको देख के, तभी तो रुका नहीं जा रहा था, धैर्य धारण करके रुके थे, और उधर विशाखा सखी तो दोनों को देख के पहचान तो रहे हैं एक दूसरे को, पर सभ्यता के कारण समझ नहीं आ रहा किस प्रकार आलिंगन करें, कैसे मिलें, क्या कर जाऊं इनको सामने देख के। और जो दंडवत किया तो कृष्ण बोले, उठो 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 करो कृष्ण कृष्ण। जैसे हमारा कोई प्रिय अगर आके, अरे हम बोले अरे गले लग जाए यार, क्या कर रहा है। तो अलंगिते प्रभु हृदय है सतृष्ण, अरे उठो उठो, और उठे उठा के आलिंगन कर लिया। कई आचार्यों की ये भी विवेचना है, बोले मानो श्रीमन महाप्रभु ये कह रहे हैं कि अगर मुझे दंडवत करना है, मुझे नमस्कार करना है, तो हरि नाम लो, अरे उठे कहो कृष्ण कृष्ण, अरे हरि नाम लो। हरि नाम लेना ही मेरे को प्रणाम करना के बराबर है, एक ही बात है। इस जगत की जो तृष्णा है, जिसे जीव काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह के माध्यम से अपनी तृष्णाओं को पूर्ण करने की प्रयास करता है, ये तृष्णा वो नहीं है। तृष्णा इस जगत में तो इसीलिए इस्तेमाल होता है, इस जगत का जो शब्द है तृष्णा, ये तृष्णा इसीलिए है कि ये काम क्रोध लोभ मोह, ये सारी तृष्णाएं हैं जीव की। और श्रीमन महाप्रभु की क्या तृष्णा है, कि ये आके मेरे को आलिंगन कर ले। ये रामानंद राय ये नमस्कार ना करे, ये दंडवत ना करे, ये आलिंगन कर ले मेरे को, तो मैं तृष्णा मेरी पूरी होगी। हम लोगों के लिए भी ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे भीतर भी जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है, इसको जैसे प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताया कि अगर हमें तृष्ण होना है, अगर हमें
पूर्ण होना है तो हमें भी अपने इस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे को जगह जगह लगाना पड़ेगा, ठीक जगह पे। ये खत्म नहीं हो सकता। जीव की उत्पत्ति काम से हुई है तो काम खत्म कैसे हो जाएगा? हम सब जीवों की उत्पत्ति काम से हुई है तो खत्म कैसे होगा? तो बोले क्या करें, तो इसके लिए बोलते हैं काम को लगाना होगा। काम को कहां लगाना होगा? बोले कृष्ण सेवा काम अर्पण है। कृष्ण की सेवा में अपनी कामनाओं को लगा दो। जितनी हमारे भीतर, जैसे जयमल का हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, तो जितनी हमारे भीतर कामनाएं, अब जयमल जी थे तो राजा, अगर हम कहें कि नहीं हम तो बड़े व्यस्त हैं, वेले लोगों का काम है ये सब करना, तो इसीलिए भक्तमाल में जयमल जी की कथा है कि वो कौन है जयमल, वो राजा है। राजा से ज्यादा काम तो नहीं होगा, पूरा प्रोविंस संभालना है, पूरा देश संभालना है जिसको। वो राजा क्या करता है, सुबह उठ के 3 घंटा ड्यूटी वर्शिप करता है और उस 3 घंटे में बोलता है कि मुझे कोई आके तंग नहीं करेगा, और फिर वही शाम को जाके अपने राधा कृष्ण को शयन भी कराते हैं। जब शयन कराते थे तो बोलते थे घंटा डेढ़ दो घंटा वहीं लग जाता था उन्हें शयन कराने में। हम लोग शयन कराते तो 5 मिनट नहीं लगते होंगे, ज्यादा होंगे 5 मिनट भी, ये तो 2 मिनट की बात है। आज नहीं बोलता, अब खाना गर्म करो बस अभी सुला के आ रहा हूं। वो तो टेबल पे लग जाता है तब लोग चले जाते हैं कि रखो बस मैं 1 मिनट सुला के आ रहा हूं। करना क्या है, खड़े लिटाना है, आ गए सुला दिया। एक आध मंत्र बोलते थे औपचारिक रूप से जो हमें पता है कि ये बोल देना है, पर ये शयन ये तो क्रिया में आ गया। हमारी जितनी भी विग्रह सेवा है वो पूर्ण तब होती है जब उसमें मन लग गया। मन से क्या किया? अगर आपने क्रिया से नहीं किया, मानसिक कर दिया, माना जाएगा। अगर आपने मानसिक नहीं किया, क्रिया से कर दिया, वो माना नहीं जाएगा। मन का इतना बड़ा रोल है। हम करने गए, बात करते गए, करते गए, करते गए, बात करते करते लिटा दिया, उधर पीछे बात भी कर रहे हैं 2-3 लोगों से, या फोन भी कान पे लगा हुआ है, फोन ऐसे लगा हुआ, बटाफट से सुला दिया, वो बातें करे जा रहे सुला के आ गए। नॉर्मल दृश्य है ना ये, कोई इसमें हैरानी की बात नहीं, ऐसा ही होता है। अपना फोन लगाया, फोन पे बात चल रही है, फोन पे बात पता नहीं क्या चल रही है, और वो अपना फटाफट से करके हम लोग शयन करा के आ गए। और जयमल जी को 2 घंटे लग रहे हैं, तो हमारी नजर में जयमल जी जैसे मूर्ख व्यक्ति कि भैया क्या करते हो 2 घंटे। हम तो ये हमारे जैसा पता क्यों अभी लग, नहीं हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे जयमल जी को, आपका पति अगर ये करे तो, या बीवी करे तो, बच्चे करे तो, क्या खुद सो गए थे क्या? सुलाने गए थे, सोने गए थे? क्या 2 घंटे नैप लेके आ रहे हो क्या आप? भगवान दुखी हो जाए भैया, जा यार मेरे को सोने दे। हम लोग ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। पहला भोग लगाने में आदमी टाइम लगाते हैं, बोलते किशोरी जी को ठंडा खिलाएगा क्या, जल्दी कर भैया। जल्दी दूसरा लगाओ। वो आइसक्रीम भोग लगाए, पिघलनी नहीं चाहिए, आखिरी तक गुरु तक साबुत जाने चाहिए। हमारा कुछ नहीं है, गुरु जी को साबुत मिलनी चाहिए। तो बड़े बड़े तर्क है हमारे पास कि जल्दी करना है सबको, ये सब क्या कर। चार नहीं रख सकते, प्रसादी खाते हो तो। असल में हम मनुष्य बुद्धि से सोचते हैं, नहीं तो जो चीज हम भोग लगाते हैं उसमें स्वाद बुद्धि नहीं रहती, उसमें पदार्थ बुद्धि नहीं होती, उसमें प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। तो प्रसाद बुद्धि में आपने लगाई आइसक्रीम और आखिरी में मिला शेक तो चल जाएगा, क्योंकि पदार्थ बुद्धि नहीं है उसमें, वो अमृत है। मैंने पहले भी बोला था कि सागर मंथन में अमृत निकला अंत में, तो किसी ने पूछा भगवान टेस्ट क्या है पहले करके बताओ, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं लूंगा मैं अमृत, आपको बोले अमृत ले लो, वो बोले अमृत पहले बताओ टेस्ट कैसा है, आप बोलोगे अमृत मिल जाए पूछोगे भैया खट्टा है मीठा है, आप एक ड्रॉप लेके छोड़ो, आए आए नहीं नहीं खारा है, तो जब मीठा अमृत चाहिए दोबारा करो समुद्र मंथन, वो मीठा वाला अमृत निकालो।
अमृत है, जैसा भी अमृत है, तो ऐसे ही भगवान का चरणामृत है, ऐसे ही भगवान का प्रसाद जो है वो अमृत है। पर क्योंकि हम उसमें पदार्थ बुद्धि रखते हैं, तो हमारा जेन्युइन क्वेश्चन आता है, अच्छा बताओ अगर आइसक्रीम करें तो क्या करेंगे? ये जेन्युइन नहीं है, ये हम क्योंकि पदार्थ बुद्धि हमारे लिए नेचुरल हो गया पदार्थ बुद्धि। खैर, तो मानसिक में क्या होता है कि आपने मन में शयन कराना प्रारंभ किया, तो मन में आपने उनकी पूरी सज्जा करी जो रात के समय होनी चाहिए, आपने उनकी शैया की सज्जा करी, आपने उनके कुंज की सज्जा करी, सब करके अब आपके भीतर आया किशोरी जी विश्राम करो। अब मन में आया किशोरी जी करिए, अभी रुक जाओ, आधा घंटा रुको, बैठो बात करते हैं। मन है ना, मन में आ जाता है ये सब। मन में कितनी बार ऐसा होता है कि हम मन में उनको पुष्पों की माला पहनाने लगे मगर पहनाई नहीं जा रही। मानसिक में ये भी बात होती है, पहनाने को तो इतनी जल्दी माला गुंथन भी हो जाता है और इतनी जल्दी पहना भी देते हैं कि अगर असली में करने लगे हैं तो अभी तो एक फूल में सुई ना डाली जाए उतने में माला बन जाती है। ऐसा भी होता है मानसिक में, और ऐसा भी होता है मानसिक सेवा में कि अटक गई, मन पुष्प का रंग तक नहीं लेने को आ रहा, मन में नहीं आ रहा, ऐसा भी होता है अटक गए। तो मानसिक सेवा करने में समय लगता है, कर रहे हैं आराम से, पूरी सारी सज्जा करनी है, कुंज सज्जा करनी है, शैया की सज्जा करनी है, किशोर जी को लेके आना है, किशोरी जी को वहां पे बिठाना है, दोनों का संग मिलन कराना है, फिर दोनों को अपनी अपनी चटु बातें सुनानी और फिर उनका विश्राम कराना, और फिर बाहर से जाके मंजरी एक कुंज रंध्रों में अपने मीन नयन लगा देती है। तो ये सब करने में, अब ये सब करने का परिणाम क्या है? एक बारी जयमल जी की पत्नी ने सोचा, भैया ये करते क्या है दो घंटा? अच्छा, जयमल जी क्या करते थे, एक जगह जहां विश्राम कराने जाते थे ना, वहां सीढ़ी लगा के एक गृह बनाया हुआ था, उधर जाके विश्राम कराते थे, जब वापस आते थे सीढ़ी हटा देते थे कि मेरे श्यामाजू जो हैं वो विश्राम कर रहे हैं तो कोई तंग ना करे, तो सीढ़ी हटाए जाते थे, कोई जा ही नहीं सके, फिर सुबह जब जाएंगे तो सीढ़ी रख के फिर ऊपर जाते थे। तो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने एक बार सोचा कि मैं जरा जाके देखती हूँ क्या होता क्या है वहां पे दो घंटा, क्या करके आते हैं ये। गई, और जब उन्होंने वहां सीढ़ी लगा के अंदर जैसे ही झांका तो देखा वहां पे सत्य में, वास्तविक में श्याम सुंदर और किशोरी जी विश्राम कर रहे हैं, वास्तविक में असली दर्शन हुए कृष्ण के और किशोरी जी के वहां विश्राम। देखते ही रोंगटे खड़े हो गए, उत्तरी इसीलिए इतना समय लगता है सेवा करके आते, तुरंत नीचे आई सीढ़ी हटाई और जैसे ही वहां विश्राम गृह में गई, जयमल जी ने कहा तुम कहां से आ रही हो? वो जयमल जी के चरण पकड़ लिए, आप क्या सिद्ध भक्त हो, मैं आपको पहचान ही नहीं, मैं तो डाउट कर रही थी आप क्या करते हो वहां दो घंटे जाके, आप तो साक्षात हरि को साक्षात किशोरी जी की सेवा करके विश्राम करा के आते हो। जयमल जी बोलते क्या बोल रही, नशे में है क्या, पागल हो गई है? बोले हां मैंने साक्षात दर्शन किए, मैं वहां गई, मैंने सीढ़ी लगा के देखा, वहां दर्शन किए मैंने। जयमल जी फूट फूट के रोए और उसके चरण पकड़ लिया, अरे मैं तो विग्रह को ही सुलाता हूं, मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए, वो कंबख्त आके दर्शन कर गया वहां से लड़ाई करके, तू जाके दर्शन कराए, मुझे दर्शन नहीं हो रहे, सबको दर्शन हो जाते हैं मुझे दर्शन नहीं होते, क्या देखा तुमने, थोड़ा तो बताओ, थोड़ा बताओ। बोली मैं तो घबरा के वापिस आ गई, अरे पगली तूने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया, तूने दर्शन कर लिए, मुझे नहीं होते। तो अपने भक्त के साथ श्री हरि इस प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, उनके हृदय का विरह बढ़ाते हैं और फिर उनको पूरी प्यास लगे, फिर पानी पीने का आनंद होता है, फिर पानी भी अमृत लगता है, और ये तो साक्षात हरि के दर्शन होने, अमृत ही मिलना है। तो उनकी पिपासा बढ़ाने के लिए ऐसी क्रीड़ा करते हैं भगवान। तो कृष्ण सेवा काम अर्पणे, इस प्रकार की अपनी जितनी कामनाएं हैं वो कृष्ण सेवा में लगा दी, शयन कराना, उनको सजाना, उनके लिए शॉपिंग करना, उनके लिए सोचना, सुबह उनको उठाना, सब का मतलब पूर्ण रूप से उसी सेवा में लग गए, काम अर्पणे।
और क्रोध भगवत द्वेषी जने। अब भैया गुस्सा तो आता है, गुस्सा कहाँ लगाएं? तो बोले गुस्सा रखो, जो भगवत द्वेषी हो उसके लिए क्रोध रखो, जो भक्तों से द्वेष करता हो उसके लिए क्रोध रखो। आपका कितना भी प्रिय मित्र हो, कैसा भी हो, ये नहीं बोलना कि अरे फिर हम क्या कहते, वो ऐसी द्वेष वाली बातें कर रहा था, अब अच्छा नहीं लगता ना मेरा उनको बोलना। नहीं, बोला है क्रोध भगवत द्वेषी जने, गुस्से में मना कर देगा, मेरे सामने ये सब नहीं बोलना, ये गलत है, मैं नहीं सुन सकते किसी भक्त के बारे में आप ये सब बातें कर, निंदा कर रहे हो। जो भागवतों से, भक्तों से, भगवान से द्वेष करते हो उनके लिए ये क्रोध होना चाहिए। नहीं आता तो कपट क्रोध दिखा दो, लेकिन चुप करा दो। प्रबोधानंद सरस्वती ने वृंदावन महिमा अमृत में बोला है कि हे भगवान, अगर मेरे सामने कोई भक्त निंदा करता हो और मेरे कानों को वो रुचिकर लग जाए, क्योंकि जब कोई निंदा करता है तो स्वाद बड़ा आता है सुनने में, पता तो लगे इसके बारे में, अच्छा हमारे भीतर से भी होता है, अच्छा हाँ जरा इसकी असलियत थोड़ी पता तो लगे, हाँ ये सही बोल रहे हैं, तो सारे प्रभु जी करते, जरा ये आके बताए यहां क्या क्या करते हैं ये, जो देखो इनकी बड़ी तारीफ कर रहा है, ये मिली है मेरे को, हाँ बताना जी क्या है। तो प्रबोधानंद सरस्वती बोल रहे हैं, अगर मेरे कानों को ऐसे रुचिकर लगे तो हे हरि मैं प्रार्थना करता हूं आपसे ऐसा दंड देना कि मेरे कानों में 100-100 कील गाड़ दिए जाए, कील लेके गड़वा देना मेरे कान में, मगर मेरे कानों को वो रुचिकर लगने लगे अगर ये निंदा तो, अगर मेरी आंखों को भाए ऐसे दर्शन के मैं भक्तों के दोष दर्शन कर सकूं, अंधा कर देना, मेरी जिह्वा कटवा देना अगर किसी दिन ऐसा हो कि मैं भक्तों की निंदा कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है उनके बारे में बोलना, जिह्वा रुकती नहीं है, एक बार आपने कुछ ऐसा दृश्य देख लिया, आहा इतना स्वाद आता है कि अब ये जब बताऊंगा तो रुका नहीं जाता कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, हजार मन बोले निंदा नहीं करनी, निंदा नहीं करे, कुछ नहीं, जो देखा है वो तो बोल दूं, जो असलियत देखी है वो तो, वो रुकती नहीं है जीवा। इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कोड़ पड़ जाए मेरी जीभ पे अगर उस जीभ से मैं निंदा करने लगूं। हमें ये मानना है कि सबके भीतर भगवान हैं, सबको भगवत स्वरूप मानना है, पर अगर भगवत स्वरूप भी आके निंदा लें तो उसको अपनी परीक्षा समझ के चुप करा देना। किसको? बोले भगवान भी आके अगर बोले तो बोल देना भगवान ये लीला मेरे सामने नहीं, ना ये नहीं सुनूंगा, इस कोटि तक बोला है। हाँ बोलो नहीं 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 वो तो ये थी, अरे वो तो मेरी बड़ी थी, अरे मैं उनको बोलने, अरे बड़े भक्त हैं हम क्या बोल सकते हैं, बड़े भक्त नहीं भगवान आ जाएं तब भी ये लीला मेरे सामने नहीं प्रभु नहीं। पार्वती जी पहले सती थी, फिर हिमालय की पुत्री हुई, तो उन्होंने बड़ी तपस्या करी शिव जी के लिए, कई कई साल 100 साल बैठ के तपस्या करी। जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा देखें जरा, अब आखिरी में भगवान शिव जो हैं वो बोलते एक संत का स्वरूप लेके वो भगवती पार्वती जी के समक्ष गए। वो ध्यान में बैठी थी लेकिन जब देखा कि ऐसे संत आ रहे हैं तो उनको उठ के आदर सम्मान दिया, पानी वानी के लिए पूछा, और करना चाहिए। बोले आप जितने भी बड़े संत हो, आप जितने भी बड़ी सेवा कर रहे हो, चाहे विग्रह सेवा कर रहे हो कुछ हो, जब संत आए तो उठ के उनको आसन देना, उनको पूछना, ये सब सत्कार करना चाहिए। तो पार्वती जी ने उनको आसन दिया, सत्कार किया, बोला आइए बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ। बोले मैं आपको कई समय से देख रहा हूँ, वो तो भगवान शिव ही थे, बोले मैं आपको कई समय से देख रहा हूँ, आप तो खुद इतनी पूजनीय हो, आपको तो खुद देख के ऐसा लगता है कि आपकी वंदना करनी चाहिए, आप किसकी वंदना में लगी हो, आप तो खुद भगवती समान हो। उन्होंने बोला मैं अपने परम आराध्य भगवान शिव की आराधना कर रही हूँ। बोले वो शिव, वो
उसके बाद तो कपड़े तक नहीं है, भस्म वस्म लपेट के रखता है। अरे वो तो तामसिक है पूरा, अरे तुम कहाँ उसकी करे, अरे हम इतने बड़े तपस्वी, हम जानते ना, हमसे पूछो किसकी करनी चाहिए, अरे उनसे तो कई कोटि गुना ज़्यादा, तुम वो जो तुम्हारी करने से कितना कुछ प्राप्त हो जाएगा, उसकी क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा सावधान ऋषि, आपको मैंने अतिथि भगवान का स्वरूप होता है ये समझ के आपको आसन दिया था, सब किया था, अगर आपकी यही सोच है तो तुरंत अब यहां से खड़े हो और निकलो राधे राधे। उन्होंने बोला तुम जानती नहीं हो, उनका बोले हमें जानना भी नहीं तुम्हारे जैसे कौन है, निकलो, बस आप यूं समझो कि आप अतिथि हो, इसीलिए मैं आपको भस्म नहीं कर दे रही, बस अब निकल जाओ। तो वो निकलने के हुए और निकल के फिर आए, बोले फिर भी तुम्हें बता दूं तुम गलत चक्कर में पड़ गई हो, उसके पास कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, अरे तुम इतनी समृद्धि पा सकती हो, ये कर सकती हो, तुम्हें तो विष्णु स्वरूप प्राप्त हो सकते हैं, तुम क्या। उन्होंने अपनी कमंडलू से जल लिया और जो ही भस्म करने को लगी भगवान शिव उसमें से प्रकट हो गए, उनको देखा चरण पड़ गए। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये आचरण होना चाहिए, कोई इतने बड़े संत स्वरूप भी आ रहे कुछ भी, और भगवान शिव इसी बात से बोले अब चलो प्रसन्न हो गए हो कि ये आचरण होना चाहिए। निंदा कोई भी कर रहा हो मैं नहीं सुन सकता, बहुत बड़े संत ऋषि महात्मा आके भी उनके मुख से भी नहीं सुननी, एक दूसरे के आमने सामने सुनने की तो क्या बात है। हम बड़ी जल्दी, अरे उनको तो फिर मना नहीं कर सकता था, फिर क्या बोलता, वो इतने बड़े हैं, वो ये कितने बड़े होंगे, बोले भगवान आ जाए तब भी नहीं सुननी। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर आपके समक्ष निंदक बैठा हो और उधर शेर का पिंजरा हो तो शेर के पिंजरे के अंदर चले जाना, वो तो आपका केवल एक ही जन्म खराब करेगा ना, बस यही देह खत्म करेगा, ये तो पता नहीं कितने आपके अगले जन्म खराब कर देगा। भक्तों की निंदा सुनना, बोलते पता नहीं पिछले कितने जन्मों के आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे। और फिर आपने अगर हाँ में हाँ भी मिला दी, मान लो आप मानते नहीं हो लेकिन तब भी हाँ ऐसा है तो सही, थोड़ा तो है उसमें एटीट्यूड, थोड़ी अकड़ तो आ गई है उसमें, बस इतना आपने बोल दिया खत्म। अब जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि अगर एकदम सटीक शास्त्र की बात बोलूं तो बोलते हैं अगर ऐसा ही करना है तो अब अपनी तुलसी माला और तिलक वगैरह सब उतार के छोड़ दो, अब कोई लाभ नहीं है, अब ये तिलक का और तुलसी माला का कोई लाभ नहीं है, अब और अपराधी करोगे, छोड़ो इसको छोड़ के अब अपना जाओ, जितना थोड़ा सा जीवन है वो यहाँ पे रंग रेली मौज मुला कर लो, बस यही कर सकते हो तुम, क्योंकि अब तुम्हारा सारा भक्ति जो पिछली थी वो सब खत्म हो गई और शायद आगे भी कर नहीं पाओगे, इतना स्ट्रिक्टली मना किया है। और हम लोग बड़ी सुगमता से ऐसे ही बोल देते हैं ये है ये वो है, बड़ी सुगम छोटी सी बात है, किसी के बारे में किसी से सुनना ही नहीं, बोलना तो बहुत दूर की बात है, सुनना भी नहीं, कोई भी बोल रहा हो हाथ जोड़ो भैया मेरे आगे नहीं, होगा जो होगा, मैं बहुत छोटा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे मत बोलो। हम ज्ञानी नहीं है, पंडित नहीं है, आपको कुछ नहीं समझा रहे, मैं बहुत छोटा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे आगे मत बोलो, हम नीचे बन जाए, हमारे आगे नहीं, अब जाओ आप किसी और से बात करो, मेरे से नहीं। दूसरा व्यक्ति भी समझ जाता है कि मैं गलत कर रहा हूं, दूसरा भक्त होगा तो समझ जाएगा कि मेरे से गलती हो रही है। तो क्रोध भक्त द्वेषी जने और लोभ साधु संगे हरि कथा। अब हमारे भीतर जो लोभ है उस लोभ को कहां लगाएं, बोले लोभ को लगाओ हरि कथा सुनने में, और कैसे सुनने में, बोले साधु संगे हरि कथा, वैष्णवों के भक्तों के संग में हरि कथा सुनने में, इसका भी बड़ा लाभ है। बाबा ने भी प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताया कि कोई भक्त सोचे कि अरे तू ये सब क्या बताएगा, कहीं भागवतम से ही बताएगा, भगवत गीता से बताएगा, इधर उधर जो तू पढ़ता है वो मैं भी पढ़ लूंगा, भाई क्या जरूरत है किसी से सुनने की, मैं खुद शास्त्र पढ़ लूंगा, ये जो किताब पढ़ के बता रहे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत मैं वैसे ही चैप्टर पढ़ लूंगा, आप तो वैसे भी एक एक श्लोक को पता नहीं चार चार महीने से घसीट रहे हो, मैं पढ़ लूंगा, मैं तो पिछले हफ्ते आया था, अभी तक आधा रामानंद राय संवाद खत्म हो गया अगली बारी पूरा हो जाएगा, आप लगे रहो उसी श्लोक में। तो बाबा ने बोला नहीं, जो हरि कथा है वो साधु संग में ही सुननी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका मनन हो पाएगा,
चिंतन हो पाएगा, आपस में चर्चा हो पाएगी, तब समझ में आएगा। मंथन होना बहुत जरूरी है, पढ़ तो लेंगे, अच्छा अकेले में सुन भी लेंगे, मान लो आपको सुननी है ना, तो चलो अभी मेरे विपक्ष में ना चली जाए अगर सुननी अकेले में सुन लेंगे, नहीं साधु संग में। क्यों साधु संग में? ताकि हम चर्चा कर सके, हम एक दूसरे से बात, हम उसका चिंतन करके, मनन करके, उसमें से मंथन करके कितना अमृत निकाल लेंगे। जैसे हम एक एक श्लोक का सब बैठे हैं मंथन कर रहे हैं तो अमृत निकल रहा है। कोई सुनने वाला ना हो, केवल मैं पढ़ने वाला हूं, तो मैं भी एक जल्दी जल्दी फिर बाकी लोग पढ़ लूंगा, मैं इतना क्यों सोचूंगा। ऐसे थोड़े ना कि मैं भी जब अकेला बैठता हूं तो एक श्लोक पढ़ के बैठ जाता हूं, बस सोचना शुरू कर देता हूं, जयमल जी की कथा, इसकी कथा। अब वो तो संग में है तो बात से बात निकल रही है। तो इसीलिए साधु संगे हरि कथा, साधु संग में हरि कथा सुनने का लोभ होना चाहिए। और मोह इष्ट लाभ बिने, मोह कैसे, जैसे जयमल जी को जब नहीं मिल रहे तो उन्हें मोह हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहे तो पागलपन हो रहा है, वो मोह जो है, वो आकर्षण जो है, वो नहीं मिल रहे। इष्ट लाभ बिने अगर नहीं मिल रहे तो वो मोह हो। हमें मोह यहां इन जीवों के प्रति होता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मिल जाता तो, ये ऐसे होता तो, वो ऐसे होता तो। भक्तों को मोह कहां लगाना है? इष्ट लाभ बिने। प्रेमी प्रेमी का आपस में, वो बॉयफ्रेंड मेरा छोड़ के चला गया, उसने आग लगा ली, जल गई, मर गई, फांसी लगा ली, पता नहीं क्या। अरे तुम्हें करोड़ों जन्मों से कृष्ण प्राप्त नहीं हुए, उसका कोई वो नहीं है। हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, अरबों जन्मों से यहीं पे, पता नहीं किन किन के गर्भों से, कहां कहां से आके, क्या क्या पशु, क्या क्या बन के, शूकर इत्यादि सब बने हुए हैं, नर्क भोग रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई मोह नहीं है, उसमें हमें कोई दुख नहीं है। वो साल दो साल पहले एक आया था, वो चला गया, तो उसके लिए टंगने को तैयार है। तो ये मोह जो है, ये इष्ट लाभ बिने, जब इष्ट नई प्राप्ति हो रही है, जो पिछली बारी हमने चर्चा करी थी, भगवान का जीव से कितना प्रेम होता है, विस्तार से चर्चा करी थी, तो इतना प्रेम करने वाला मुझे नहीं मिल रहे हैं, ऐसी मेरी क्या क्रिया है कि मैं उनको प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं? समक्ष छोड़ो, मैं मन में भी उनकी छवि नहीं देख पा रहा हूं। मोह इस बात का होना चाहिए। और मद कृष्ण गुण गाने, मद किसमें है, पागलपन किसमें है? कृष्ण का गुणगान करने में। भक्तों का, संतों का मद किसमें होता है? जो आए बैठे हरी कथा सुनो, आ जाओ एक कथा सुनाते हैं, आओ एक कथा करते हैं, चलो आओ बैठ, वो आप बैठोगे वो स्वाभाविक कहीं ना कहीं से फिर कोई कथा शुरू कर देंगे। राजेंद्र दास जी एक बारी बता रहे थे एक कथा में, बोलते एक संत थे, मैं वो तो नाम भी बता रहे थे, मैं नाम भूल गया, बोलते एक संत थे। अब ब्रज में तो होता ही है, संसारिक जीव जब जैसे यहाँ दिल्ली वल्ली से पहुँच गया, उनके पास तो पहुँच गया, महाराज जी मेरे जो पति है ना, कुछ ऐसा करो उनका धंधा चल पड़े, ये अब कोई भी जाता है यही सब, मेरे बच्चे जो हैं नौकरी गए, मेरी बहू सुनती नहीं है, मेरी पोती को टांग टूट गई, जो भी मतलब ऐसे गए और व्यथा शुरू कर देते भैया। तो बोलते वो संत जो थे वो सोचते थे कि भाई क्या ये सब, यहाँ आए हो तो कथा करो, तो वो बोलते जैसे ही कोई आके बोलने लगता ना, वो कहते माता जी आपको देख के कथा याद आई, वो सुनो, वो कथा सुनाने लग जाते। फिर कोई आता, बोलते आधे लोग तो ऐसे भी होते, वो अपनी व्यथा भूल जाते उनकी कथा सुनने में, क्योंकि बड़े इंटरेस्ट से सुनाते थे। और आधे लोग बोलते ऐसे भी जाते थे, वो कहते थे भाई यार महाराज अपना शुरू है, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहे, हमारी प्रॉब्लम क्या है वो सुना नहीं, अब आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के अपना इलाज शुरू कर, आप ये प्रॉब्लम तो सुन ले मेरी। अब जो संत हैं वो बोलते भैया धाम आ गया, हरी कथा सुन जा, तेरी समस्या वैसे ठीक हो जाएगी। तो वो किसी की व्यथा सुनते ही नहीं थे, वो कहते थे भाई क्या ये सब, वही संसार का रोना रोए, तू कथा सुन भाई कथा सुन। और बोलते वो ऐसा उनके भीतर कथा सुनाने का होता है, अब जैसे ही कोई आया व्यक्ति वो बोलने लगा, वो अपनी कथा सुनाने से, अच्छा सुनो एक बार अभी पीछे क्या चिंतन चल रहा था, वो ब्रज में जब वो असुर आया, आहा उसने, असुर ने भगवान, वो भैया उसने, अब महाराज हम चलते हैं, हम जरा जल्दी, कोई बात नहीं मैं साथ चलता हूँ, मुझे चलना, बोले साथ चल पड़ते थे, बोले वो ब्रज से उठा, वो छठी कला तक, बोले वो छठी कला तक वो भी साथ चल रहे, बोले चलो साथ साथ तुम्हें कथा सुनाता चलता,
बोलते आखिरी तक ऐसा छोड़ के आते थे कि दोबारा कभी इधर तो नहीं आएगा ये मेरे पास। कई कई भक्तों के साथ बोलते 10-10 किलोमीटर आगे चलते, कहां जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, स्कूटर में जा रहे हो, चलो पीछे बैठता तुम्हें भी सुनाता हुआ जाओगे चलो। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तुलसीदास बोलते स्वांत सुखाय, मैं तो अपने सुख के लिए बोल रहा हूं, तुम्हारे को सुख मिल रहा है वो तुम्हारी मौज है। स्वांत सुखाय, मैं तो अपने सुख के लिए तुलसी रघुनाथ गाथा, तुलसी किस लिए रघुनाथ की गाथा गा रहा है, बोले स्वांत सुखाय अपने सुख के लिए। आप सुन रहे हो आपको भी आनंद आ रहा, बड़ी अच्छी बात है, पूरी रामायण लिख दी उन्होंने, बोल रहे मैं तो अपने सुख के लिए लिखी है, मेरा व्यसन है ये, मुझे मजा आता है उनकी चर्चा करने में, उनकी बात बोलने में, उनकी करने, आप आनंद ले रहे हो, बड़ी मौज की बात है, आपकी भी मौज है। तो मद कृष्ण गुण, ये मद होता है, पूरी रामचरितमानस लिख दी, आज तक लिखे जा रही है, सबसे ज्यादा प्रचलित शास्त्र जो सबसे ज्यादा लोगों ने पढ़ा, और किसी को कुछ आता ना तो कम से कम उसको रामायण की 2-4 चौपाइयां जरूर याद होगी। और वो क्या कह रहे हैं, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं तो अपने लिए गा रहा हूं, वो मद है, किसी के लिए नहीं। तो नियुक्त करी वो यथा तथा, ये जितनी तृष्णाएं हैं अपनी, ये सब इधर उधर सब नियुक्त कर दो, सबको कहीं ना कहीं लगा दो, एक केवल काम क्रोध लोभ मोह सब लगा दिया, मद लगा दिया, पर बाबा बोलते मात्सर्य कहीं नहीं लगाया जा सकता, मात्सर्य यानी ईर्ष्या जो है ये कहीं नियुक्त नहीं की जा सकती, ये खत्म ही करनी होगी, इसका नाश करना होगा। जैसे हम अभी चिंतन कर रहे थे कि निंदा नहीं करनी, तो ऐसे ही ईर्ष्या भी नहीं, भीतर भी ना हो, मुख से तो निंदा नहीं निकले भीतर भी किसी के लिए ईर्ष्या ना हो, हमारे भीतर कहीं किसी के लिए कोई द्वेष नहीं। आज हम बाई चांस यही चर्चा कर रहे थे कि वैष्णव को देख के प्रसन्न ना होना ये भी एक वैष्णव अपराध है, और पहला वैष्णव अपराध है, क्या अपराध है, माताजी प्रसन्न हो गई सबको देख के, वैष्णव को देख के प्रसन्न ना होना। आप बोले यार मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, वो आई थी माताजी, ठीक है मैं तो आसन दिया पानी दिया, मगर आप मन से प्रसन्न नहीं हुए, तो मन से प्रसन्न ना होना यह भी एक अपराध है। यह क्यों अपराध बनाया, कोई बोले यार बड़ी जागती कर दी, मतलब क्या अपराध है ये, अब मन प्रसन्न नहीं, मैं मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहा, मैंने गंदा नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, खाने को भी पूछा है, आओ माता जी बर्गर मैंने खा लो, आप भी पी लो शरबत पी लो, मैं तो सब ऑफर करा, सब कुछ करा, आओ ये करो वो करो, और होता ही है जब कोई ऐसे आ जाओ अंदर आ जाओ, अंदर आओगे नहीं, तो क्रिया से तो भाई हमने सब कर दिया, बोल दिया मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सब करा, अभी भी वैष्णव अपराध हो गया, हाँ अभी भी वैष्णव अपराध हो गया, क्यों, क्योंकि हम वैष्णव है, भगवान का अंश है, भगवान का प्रिय है, आपने ये भाव नहीं रखा, आपने देह भाव ही रखा, आपने इसमें शीनू ही देखी। तो देह भाव रखा, देह भाव रखना जो है वो अपराध है, वैष्णव में देह भाव ना रखे, भगवान का ही अंश है, अब आपको पता लगे भाई भगवान का ही एक अंश आए हमारे यहां पे, ये भगवान के ही छोटे अवतार है आंशिक, तो आप कहोगे चलना छोटे मोटे अवतारों से भी मैं प्रसन्न नहीं होता, जाओ भाई। ऐसे तो नहीं कहेंगे, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि प्रसाद में पदार्थ बुद्धि रखना यही अपराध है, ऐसे ही भगवान के अंश में देह बुद्धि रखना ये अपराध है, समझ गए, इसीलिए ये वैष्णव अपराध है, उन्हें देख के प्रसन्न नहीं होना। अगर आपको पता लगे भगवान के साक्षात अंश मेरे यहां पे 50 अंश मेरे यहां बैठे हैं, मन कितना प्रफुल्लित हो जाएगा, नहीं तो जीव को भाई यार 50 लोगों का बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। सब कुछ कैसे करेंगे यार, बड़ा दिक्कत हो जाएगी, और अगर ऐसे 50 भगवान के अंश यहाँ ही आ रहे हैं, सारों को मिला दो भगवान बन जाएंगे पूरे, पूर्ण हो जाएंगे। तो देह बुद्धि ना रखें, देह बुद्धि नहीं रखेंगे तो प्रसन्नता होगी, हृदय में स्वाभाविक प्रसन्नता होगी वैष्णव को देख के, इसीलिए ये रखा गया, सोच समझ के रखे गए वैष्णव, ऐसे ही थोड़ी जल्दबाजी में बना दिए यार चलो 6 पूरे करने थे ये भी कर दो, यार देख के प्रसन्न नहीं हुए,
पहला बनाया अभी तो, अगर आप कहो तो छठा ऐसे ही बना दिया होगा, पहला बनाया ये, फर्स्ट है अभी तो, कि वैष्णव को देख के प्रसन्न है, तो प्रसन्न देख के भी ऐसे, तो हमारे भीतर प्रसन्नता ना होना ये अपराध, और हम मात्सर्य करें, हमारी ईर्ष्या हो जाए किसी से, सारा भजन चौपट हो जाएगा, सारा जितना कमाया सब खत्म, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, भैया इतना कमाया नहीं था, वो पिछले जन्म का भी चला गया, पिछले जन्मों का चला गया, एक आध जन्म का भी नहीं। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें, जो अपनी ये जो खराब तृष्णाएं हैं, इसको भी भगवान की भक्तों की ओर प्रेरणा करके यथा तथा जैसे बताया वैसे लगाएं, और मत्सर्य का तो अंत ही कर दें, ये नहीं होगा। तो श्रीमद महाप्रभु रामानंद राय के दर्शन करके, तारे अलंगिते तारे आलिंगिते प्रभुर सतृष्णा, प्रभु की सारी तृष्णाएं कैसे पूर्ण हो गई रामानंद राय को आलिंगन करके। आज अभी दूर दूर से देख रहे थे, आज दंडवत प्रणाम करा और आलिंगन किया, और आलिंगन करके बोलते इसके बाद जब उन्होंने आलिंगन करा तृष्ण हो गई, तथापि पूछिला, अब बात देखो नाटक देखो क्या चल रहा है, तथापि पूछिला तुम ही रामानंद राय, भैया सारी बात हो गई, इतनी बातें दूसरे को देख रहे हो, प्रेरित हो गए, उठने को धैर्य धरे करे हो, यहां बैठे हो, वो देख रहे हैं उनका प्रकांड स्वरूप देख के, शत सम कांति देख के उनको आके दंडवट किया, वो कह रहे नहीं नहीं उठो, गले मिल जाओ, गले मिल गए, आलिंगन हो गया, उसके बाद मुझे तथापि पूछ ले तुम ही रामानंद राय, ये सब नाटक है, जानते तो सब है, वो भी जानते हैं रामानंद राय और वो भी जानते हैं श्रीमन महाप्रभु है, भीतर तरंगाई तो हो चुका है, मन उछाले मार रहा है उनसे मिलने को, और दुनिया को क्या दिखा रहा है, अभी तो पूछ रहे हैं, अरे तुम ही हो क्या रामानंद राय, आपके घर में किसी को भेजो भैया वो आ रहा है जरा एक बारी उसको 50,000 रुपए दे देना, आप आओ 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 शरबत पियो, ये क्यों वो क्यों खाओ पियो सब खाने का, आपको उन्होंने भेजा, हाँ हाँ ये लो 50,000, जब वो जाने लगा, अच्छा सुनो तुम ही हो जिसने भेजा था, बाद में थोड़ी लास्ट में थोड़ी पूछा जाता है, पहले आया तो पूछोगे भैया तुम्हें रामानंद, ये थोड़ी भैया पर दंडवत हो गया, गले मिल लिए, सब कुछ किया, आंसू आने लग गए, सतृष्णा सारी तृष्णाएं पूरी हो गई, गले मिले, बाद में अच्छा तुम ही हो गया रामानंद राय, बाद में पूछने का मतलब ही नहीं है, तो पहली पूछने वाली बात है कि तुम हो कि नहीं हो, तो क्योंकि जानते हैं कि यही है, ये जानते हैं, तान कहे से हान दास शूद्र मंद, हां हां आपका मंद शूद्र दास नहीं, मंद शूद्र दास कैसे हो गए, क्योंकि जानते हैं यही मेरे स्वामी हैं। तो आज रामानंद राय और उनके बीच की वार्ता तक हम पहुंच गए, आलिंगन किए, पहचान रहे हैं तुम ही रामानंद राय, अगली बारी हम लोग फिर इसके आगे चर्चा करेंगे, और होपफुली अगली बारी हम लोग फिर रामानंद राय संवाद पर पहुंच जाएंगे। जय राधे।